走了。धीरे धीरे पहले का है समय है परंतु वो सामान पीटी डॉक्टर ध्रुव। तारा तुम सुनो मेरी बात, जहर जहर होता है, धीरे धीरे फैले या फिर टेस्ट है, अरे तुम्हारी जान तो जोखिम में है ना। तो सांप ने काट लिया है और तरुण जी से हमें बुक तो मिल गई है, धीरे धीरे हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन हर्डल्स इतने आ रहे हैं एंड बहुत मुश्किल हर्डल्स आ रहे हैं। अभी सांप का जहर अगर फैल जाता तो बहुत दुविधा हो सकती थी, बट तारा को आइडिया है जड़ी बूटियों के बारे में एंड ध्रुव इज़ ऑब्वियसली वेरी स्मार्ट टू यू नो, तो दोनों जैसे तैसे करके वो तो ठीक कर देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो बैग अभी भी नहीं मिला है जिससे उपचार होगा भाई जी का, तो हमारा जाके भी फायदा नहीं है इवन दो वी हैव द बुक। सो राइट नाउ जो बैग वो जो लेकर गुंडा जो एक लेकर भाग गया है, हम लोग वो ढूंढने की तलाश में है और धूप तो नहीं है अभी वो एक रिलीफ है, बट हाँ काफ़ी खरोचे लगी है हमें क्योंकि हम लोग जंगल में शूट कर रहे हैं। सो या प्रीटी एक्साइटिंग। सिग्नल भी नहीं है यहाँ पे डॉक्टर ध्रुव। मनीष पीछे, यदि वैसे तो उसका कार्ड भी होगा इस वन में। तारा देखो मैं डॉक्टर एलोपैथी का हूँ, मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ मुझे पता है, बेहोश हो रही है बीच बीच में। तारा मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जड़ी बूटियों में कहाँ से इलाज ढूंढूँ इस चीज़ का। मैं होश में हूँ, हमें क्या हम बताएंगे, वैसा वैसा वैसे करो ठीक हो जाएंगे हम बताएंगे। तो ऐसा है कि जस्ट व्हेन यू थिंक कि हमने तरुण को बांध दिया है और तरुण जी अभी हमारा पीछा नहीं करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि वो इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेंगे। अब मुझे नहीं पता आगे वो क्या करते हैं, बट इतना ज़रूर पता है कि वो बैठे तो नहीं रहेंगे। तो तरुण का खतरा भी है एक्चुअली, एक साथ इतनी चीज़ें पाइलअप हो गई है ध्रुव और तारा के ऊपर कि वहाँ नवरंगवन की ये जो पहली जो तारा की माँ ने लिखी हुई है उस किताब में वो सॉल्व करने के लिए ही, उसके पहले ही इतनी सारी दुविधाएं पहले वो सॉल्व करनी है, फिर पहली सॉल्व करनी है एंड वो सॉल्व करने के बाद हम लोग उस टाइम ट्रैवल वाली जो मशीन है वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद भी हम लोग पहुँच पाएंगे क्या, नो आइडिया। कान्हा जी मैं तो आपको नहीं मानता हूँ लेकिन ये बेचारी तो आपकी भक्त है ना, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चलिए रुक रुक आराम 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 आराम।